हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको पूरा सिनेरियो नजर आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक पैटर्न बताया था, ये वाला पैटर्न आपको बताया गया। मैंने आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न और पैरेलल लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न। तो इन चारों में से हमें ये वाला पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा था। अगर आप इसे पूरे को समझेंगे तो आपको यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिला है आपको यहाँ पे, इस लेवल पे देखेंगे आप 16,300 के अराउंड आपको ये ब्रेकआउट मिला है और मार्केट ने 16,400 के ऊपर हाई बनाया है, यानी कि लगभग आपको इजीली 100+ पॉइंट का अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। तो ये पैटर्न्स काम करते हैं, या जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है आप उन्हें एक पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर आप इन्हें करके भी देख सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कुछ ना कुछ सिचुएशन होती है, मतलब कहीं ना कभी वो चीज़ फेल जरूर होती है, और उस सिचुएशन पे आपका जो स्टॉप लॉस होता है, ये आपके पैसे को डूबने से बचाता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रख के चलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इजीली इसका ब्रेकआउट मिला था। पैटर्न का क्या होता है, अगर ब्रेकआउट मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, या ब्रेकडाउन मिले सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल के आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। दूसरे आप एक चीज और देखो, अगर ये निचले वाली ट्रेंड लाइन है, अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का भी आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। ये चीजें मैंने इसलिए डिस्कस की है ताकि आप इन सारी चीजों को समझ सके कि ये चीजें वाकई में ही काम करती है। तो यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं कि कल को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन 23 का लेते हैं। अभी भी हमने 23 का ही डिस्कस किया था, ये 23 में ही आता है। लेकिन सपोर्ट, अगर रेजिस्टेंस देखिए, जो हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस नजर आया, ये 16,400 पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला, और ये आपके साथ डिस्कस किया गया था। क्योंकि सेम यही रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे, हमें 18 को भी देखने को मिला था। मार्केट गया था, मार्केट ने इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और गिरावट दिखाई वहीं से। सेम ही सिनेरियो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, मार्केट वापस से गया, हालांकि इसका ब्रेकआउट देने की मार्केट ने कोशिश की, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और हम इसे एज ए रेजिस्टेंस मान के ही चलेंगे, और यहां से हमें गिरावट देखने को मिली। यानी कि 16,400 आपके लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। हालांकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की। अगर आप एक इस पर्टिकुलर रेंज को देखेंगे, 16,350 पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की और 16,400 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी बनाया। अब फिर से मैं चार पैटर्न की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, ये पैरेलल वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे, मैं इन सारी चीजों को रिमूव करता हूँ। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। ईमानदारी से कमेंट करना है, जिसने भी ये पैटर्न मार्केट में देखा, ईमानदारी से करना। जिसने प्रॉफिट बनाया वो भी कमेंट करना। अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं बनाया, ट्रेड नहीं लिया, लेकिन उसने पैटर्न देख लिया था, वो भी कमेंट करके बताएगा। आपको क्लियर क्लियर यहां पे ब्रेकडाउन मिला है और आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। दो दो कंफर्मेशन आपको मिले हैं और दोनों के दोनों पैटर्न से मिले हैं। पहला तो ये ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, आगे एक्सटेंड करोगे, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। दूसरा आप देखेंगे ये पैटर्न ड्रॉ करोगे, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। जिस किसी ने भी कोई सी भी चीज से इस चीज को देखा है वो मुझे कमेंट करके बताना, ईमानदारी से। ऐसे ही नहीं कि बस हमने भी देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। जिसने देखा, ईमानदारी से करना। तो फिलहाल आप समझ गए आपका कितना फायदा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। जो पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,300 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने शुरुआत में सपोर्ट लिया,
फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो कि हमारा ये पैटर्न था, इसका भी ब्रेकडाउन देके मार्केट ने इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दिया और ये क्या काम करने लगा, रेजिस्टेंस की तरह काम। सेम लेवल पे आप 20 को देखेंगे, 20 को भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 20 को हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस बनाया। फिर आप 18 को देखेंगे, 18 को पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई दिया। 17 को देखेंगे, 17 को भी हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला था, यानी कि एज ए रेजिस्टेंस ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप देखेंगे हमें लगभग, अगर आप 19 को छोड़ दे, बाकी सभी दिन आप यहाँ पे 17, 18, 20, 23 यहाँ पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है ये 16,400, इसका डिस्कशन मैं आपके साथ कर ही चुका। क्योंकि आप देखेंगे 23 को भी यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 18 को आप देखेंगे 18 को भी यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। बाकी पीछे की बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। आप यहीं से समझ सकते हैं कि ये एज ए रेजिस्टेंस लेवल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,100 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप 20 को देखेंगे, 20 को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। 17 को देखेंगे, 17 को पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट दिखाया। आप 13 को देखिए, 13 को एक मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है उस सिचुएशन पे जो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है 16,000 पे नजर आ रहा है। अब 16,000 का नाम सुनते ही आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि इस लेवल को हम हर लगभग हर रोज कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, ये रोज से हमें दिखाई दे जाते हैं। अब ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है आप 20 को ही देख सकते हैं, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको मोमेंटम दिखाया। 19 को देखिए, इसी जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, आपको गिरावट दिखाई। 17 को देखिए, मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर सपोर्ट लेके मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। 16 को देखिए, मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस दिखाया। 13 को देखिए, 13 को पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो यानी कि ये लेवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, बल्कि मैं पीछे तो आपको लेके ही नहीं जा रहा, आप यहीं पर देख सकते हैं लगभग लगभग हर रोज हमें इस लेवल पे मार्केट रिएक्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब चलते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, यहां पे ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 16,282 है, जो कि आप नोटिस करेंगे 20 का क्या है, 20 का हाई है, यानी कि 20 का डे हाई है। अब एक बात और नोटिस करो, 17 का भी अगर आप देखेंगे तो 17 का भी डे हाई इसी जोन में लगभग इसी के आसपास है, कुछ ही पॉइंटों का डिफरेंस है। तो यहां पे 17 का भी डे हाई हमें आसपास ही है। तो यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहां पे 17 का डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, 20 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहां पे हमें अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। वहीं बात करें नीचे वाली लाइन की 16,143 है, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, जब तक मार्केट 16,143 और 16,282 के बीच में रहेगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसलिए आपको या तो ब्रेकआउट का इंतजार करना है या फिर ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, तो आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। तो यहां पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,290 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,357 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,462 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,077 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,012 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,905 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 26 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,300 पे आप देखेंगे 36.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 16,400 पे, जहाँ पे 42.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,100 पे, जहाँ पे 41.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 16,000 पे, जहाँ पे 77.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 16,000 और 16,100 काफी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और इन लेवल्स को भी आप देख सकते हैं 16,300 और 16,400। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियोस पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।